नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी को आपके अपने इसी YouTube चैनल पे। और इस वीडियो में हम बात करेंगे प्रोकैरियोटिक सेल के बारे में। इस वीडियो में कम्प्लीटली समझने वाले हैं हम लोग प्रोकैरियोटिक सेल के बारे में, तथा बैक्टीरिया के बारे में समझेंगे, साइनोबैक्टीरिया के बारे में समझेंगे। तो वीडियो को हम समझना स्टार्ट करते हैं, और प्रोकैरियोटिक सेल क्या होता है तथा इसका एग्जाम्पल क्या क्या है, उसका स्ट्रक्चर क्या होता है, सब चीज़ों के बारे में हम लोग पढ़ना स्टार्ट करते हैं। चलिए, प्रोकैरियोटिक सेल मतलब होता है, हिंदी में चाहे इंग्लिश में बोले, एक ही चीज़ होता है, प्रोकैरियोटिक सेल, ठीक ना। देखिए, हम अगर लिखना चाहे प्रोकैरियोटिक सेल, ठीक ना, तो ये है प्रोकैरियोटिक सेल। आप सभी को पता होगा पिछला वीडियो में, ये बायोलॉजी का फोर्थ नंबर वाला वीडियो है, वो भी सेल का, सेल चैप्टर का चौथा वीडियो चल रहा है ये। तो प्रो का मतलब प्रिमिटिव होता है, प्रिमिटिव मतलब अनडेवलप, है ना, ये वीडियो सब मैं बता चुके हैं, अनडेवलप्ड। और कैरियोटिक मतलब न्यूक्लियस होता है, तो वैसा सेल जिसका न्यूक्लियस डेवलप नहीं होता है उसको हम प्रोकैरियोटिक सेल कहते हैं, और जिसका डेवलप होता है उसको यूकैरियोटिक कहते हैं। यूकैरियोटिक हम बाद में देखेंगे, लेकिन प्रोकैरियोटिक अभी देखने जा रहे हैं। तो न्यूक्लियस प्रोकैरियोटिक है, और प्रोकैरियोटिक में कोई भी ऑर्गेनेल नहीं पाया जाता है। जैसे होता है ना, क्या कहते हैं, न्यूक्लियस, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, गॉल्जी एपरेटस, लाइसोसोम, राइबोसोम, है ना, ये सब जो होता है ना, ये सेल में नहीं पाया जाएगा। सेल ऑर्गेनेली, बस एक सेल ऑर्गेनेली ऐसा होता है जो यूनिवर्सल सेल ऑर्गेनेली होता है, जो हर जगह पाया जाता है, उसका नाम होता है राइबोसोम। राइबोसोम हर जगह पाया जाएगा। तो आज हमारा जो ये वीडियो है, इसमें मेनली फोकस करेंगे हम लोग प्रोकैरियोटिक सेल के बारे में, जिसका डेवलपमेंट न्यूक्लियस का नहीं हुआ रहेगा, न्यूक्लियस डेवलप नहीं रहेगा। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं समझना। अनडेवलप न्यूक्लियस होगा, ये कैरियोटिक वर्ड का मतलब न्यूक्लियस, ठीक ना। और हमने ऐसा बताया था कि जिसका न्यूक्लियस डेवलप नहीं होता है उसे प्रोकैरियोटिक कहते हैं, तथा नो सेल ऑर्गेनेल। इसके अंदर कोई भी सेल ऑर्गेनेल नहीं होगा, है ना, नो कंपार्टमेंटलाइजेशन, नो कंपार्टमेंट। कंपार्टमेंट क्या होता है? कंपार्टमेंट का मतलब, जैसे ये घर है ना, तो घर में ये कमरा, फिर दूसरा कमरा, मतलब रूम अलग अलग होता है, तो एक्चुअली रूम की तरह होता है कंपार्टमेंट। तो सेल के अंदर भी अलग अलग कंपार्टमेंट बना हुआ रहता है, लेकिन वो यूकैरियोटिक में होता है। प्रोकैरियोटिक में खिचड़ी, एक ही साथ सब कुछ बना दिया। जैसे हॉस्टल में विद्यार्थी लोग रहता है ना, तो अपने से इस रूम में गैस भी रख लिया, बेड भी है, टेबल भी है पढ़ने वाला, वीडियो भी बना लिया, तो जो मन है सब कुछ एक ही जगह पे हो रहा होता है, तो उसे हम लोग प्रोकैरियोटिक लाइफ कहेंगे, है ना। तो वो कुछ इस तरह से होता है, नहीं है कंपार्टमेंट कोई भी, डेवलप न्यूक्लियस भी नहीं है, तो उसे हम प्रोकैरियोटिक कहते हैं। अब हम एक ही करके समझते हैं, आप लोग भागिएगा नहीं, है ना। चलिए देखते हैं अब इसका एग्जाम्पल क्या है, है ना। एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो इस दुनिया में दो ही तरह का ऐसा एग्जाम्पल है जो प्रोकैरियोटिक सेल का एग्जाम्पल हो। पहला है बैक्टीरिया, है ना, तो बैक्टीरिया जो है प्रोकैरियोटिक का एग्जाम्पल है। दूसरा है साइनोबैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया, है ना। साइनोबैक्टीरिया क्या होता है? तो देखिए, ये होता है ब्लू ग्रीन अल्गी, इसे बीजीए कहा जाता है, ब्लू ग्रीन अल्गी, है ना। एक्चुअली ये साइनोबैक्टीरिया का ही कैटेगरी है, लेकिन ये फोटोसिंथेसिस सब करता है, क्लोरोफिल होता है, कलर दिखता है इसका ब्लू तथा ग्रीन, जिसकी वजह से इसका नाम दे दिया गया ब्लू ग्रीन एल्गी। लेकिन ध्यान रखिएगा, इसका सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन कैसा रहेगा? प्रोकैरियोटिक जैसा, ठीक ना। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, और प्रोकैरियोटिक के सेल का, बैक्टीरिया का हम लोग स्ट्रक्चर देखने जा रहे हैं। अब जो बातें करेंगे वो बैक्टीरिया के स्ट्रक्चर के बारे में बात करेंगे, है ना। तो चलिए, ठीक है, स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरिया। बैक्टीरिया के संरचना को बात करते हैं, बैक्टीरिया की संरचना, ठीक है। चलो देखो, सबसे पहले जो होगा, बैक्टीरिया का सेल वॉल बनाएंगे, सेल वॉल के ऊपर भी एक कवरिंग होता है, तो बनाते हैं। उसके बाद दुनिया सुनने से ज़्यादा देखना पसंद करती है, हमको भी पता है। ये है एक तरह का बैक्टीरिया, जिसका ये रहेगा सेल मेम्ब्रेन, ये है सेल मेम्ब्रेन, तथा सेल मेम्ब्रेन के ऊपर एक लेयर होता है। ध्यान से समझते जाइएगा, पूरा बैक्टीरिया के डिटेल में जाएंगे। बैक्टीरिया देखिए, ऑर्गेनिज्म को पांच पार्ट में बांटा जाता है ना,
किंगडम, पांच किंगडम के रूप में, पांचों में बैक्टीरिया का जो स्थान है मोनेरा में आता है। मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी, एनिमलिया, जब हम पढ़ाएंगे ना क्लासिफिकेशन उस टाइम पे बताएंगे। तो बैक्टीरिया सब जो रहेगा वो सब किस में आएगा, मोनेरा में आता है। चलिए ये चीज़ समझ में आ गया। तो बैक्टीरिया के ये सेल मेम्ब्रेन था, ग्रीन क्या कहते हैं इसको, ब्लू वाला है ना जो भी है, उसके ऊपर था बैक्टीरिया का सेल वाल। इसके बाद जो हम बना रहे हैं वो होगा बैक्टीरिया का एक अलग स्ट्रक्चर, उसका नाम है, सब बताएंगे, बस आप देखते रहिए। चलिए एक एक करके पहले हम नामकरण कर लेते हैं। सबसे बाहर जो दिख रहा होता है उसका नाम होता है कैप्सूल। खाने वाला नहीं है, कैप्सूल का मतलब कवरिंग। इसके अंदर में जो ये कलर का दिख रहा है हमको, इस कलर का, इसका नाम है सेल वॉल, है ना। और उसके अंदर में जो हमें इस कलर का दिख रहा है ये वाला, ये कहलाता है सेल मेम्ब्रेन। बैक्टीरिया जो खतरनाक होता है ना उसका कैप्सूल लेयर, अगर कैप्सूल लेयर हटा दिए तो बैक्टीरिया काम नहीं कर सकता है, खतरनाक नहीं होगा। इसके अलावा हमने ये चीज़ तो पढ़ लिया है कि बैक्टीरिया के पास कोई भी स्पेशल स्ट्रक्चर नहीं होता है, स्पेशल न्यूक्लियस नहीं होता है। तो न्यूक्लियस के अंदर जो भी डीएनए सब रहेगा है ना, वो ऐसे ही पड़ा हुआ रहेगा, है ना, जो भी डीएनए है वो ऐसे, है ना, इस तरह से रहेगा। दूसरा, इसके अंदर जो है लिक्विड जैसा, फ्लूइड जैसा भरा हुआ रहेगा हर जगह पर, ठीक ना, ये सब चीज़ें। कुछ राइबोसोम भी होते हैं इसके पास, राइबोसोम होगा, कुछ माइटोकॉन्ड्रिया आरएनए होगा। उसके बाद एक स्ट्रक्चर होता है कुछ ऐसा, इसको हम इस कलर से बनाना चाहेंगे, इसके मेन जीनोम के अलावा कुछ ऐसा होता है, इसे हम लोग कहते हैं प्लाज्मिड, इसका नाम होता है प्लाज्मिड, है ना, इसका नाम होता है प्लाज्मिड। ये है क्रोमोसोमल डीएनए, इसका नाम होगा क्रोमोसोमल डीएनए। ठीक ना, इसे ही जीनोफोर भी कहा जाता है, जीनोफोर मतलब बैक्टीरिया का जो क्रोमोसोम होता है ना वो ये होता है ना, इसे जीनोफोर भी कहा जाता है, ध्यान रखिएगा, क्रोमोसोमल डीएनए या जीनोफोर। उसके अलावा ये प्लाज्मिड के बारे में बात कर लिया है ना, और एक स्ट्रक्चर ये जो हमको दिख रहा है छोटा छोटा, ये है राइबोसोम। राइबोसोम एक यूनिवर्सल सेल ऑर्गेनेली है और उसमें हमेशा पाया जाएगा, मतलब बिना राइबोसोम का सेल पॉसिबल नहीं है, है ना, ऐसा कह सकते हैं। जो भी सेल होगा उसके अंदर राइबोसोम देखने को मिलेगा ही। इसमें राइबोसोम जो होता है वो 70S का होता है, एक होता है सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट, वो सब बताएंगे आपको, 70S का होता है, इस चीज़ को याद रखिएगा। और बाद बाकी इसमें बहुत कुछ नहीं होगा, कुछ कुछ प्रोटीन है ना, आरएनए, क्लियर, देखने को मिलेगा। तो अब चलिए हम कुछ डिटेल में बात करते हैं, अब कुछ ज़्यादा तो होगा नहीं होगा इसके अलावा कुछ ज़्यादा। कैप्सूल लेयर देखिए, है ना, ये क्या होता है, ये बैक्टीरिया में इन्फेक्शन जो करता है ना, बैक्टीरिया जो इन्फेक्शन करता है किसी भी होस्ट ऑर्गेनिज्म को, होस्ट मतलब जिस पे जाके वो अटैक करेगा, तो ये कैप्सूल से ही पहचानता है कि हम इसको डैमेज कर सकते हैं। मतलब समझिए कि अगर कोई टाइफाइड करने वाला बैक्टीरिया है, इंसान को ही करेगा, जानवर को जाए, सांप को टाइफाइड नहीं करेगा, वो सांप के पास जाएगा भी तो वो सेल पहचान नहीं पाएगा, है ना, कि वो इंसान का सेल है। तो इस चीज़ से आइडेंटिफाई कर लेता है वो कि इसको किस पे अटैक करना है। तो इन्फेक्शन वाला जो लेयर होगा ना वो कैप्सूल होता है, ध्यान रखिएगा, कैप्सूल के नीचे होगा सेल वॉल और सेल वॉल के नीचे होता है सेल मेम्ब्रेन, और इस तीनों को मिला के हम लोग कहते हैं सेल एनवेलप। कहाँ पर लिखे, चलिए ऊपर लिखते हैं, है ना, इस तीनों को अगर मिला देंगे हम लोग तो इसे हम लोग कहेंगे सेल एनवेलप। पूरा लेयर मिला दिए तो बना गया सेल एनवेलप, है ना। जैसे बैक्टीरिया बिस्किट होता है ना, बिस्किट का, महंगा वाला बिस्किट की बात कर रहे हैं, है ना, ऊपर वाला लेयर हटाए, पन्नी खोले तो उसके अंदर में भी एक पॉलिथीन जैसा होता है, वो पैक होता है, फिर उसको खोले उसके बाद बिस्किट निकलता है। उसी प्रकार बैक्टीरिया सब जो है ना प्रिजर्व रहता है, मतलब लेयर पर लेयर लगा हुआ रहता है, ठीक ना। तो ये चीज़ होता है, ध्यान रखिएगा, कैप्सूल। कई बार इसके ऊपर है ना म्यूसीलेज का चिकना परत बना हुआ रहता है, है ना, तो उससे कहते हैं स्लाइम लेयर, ध्यान रखिएगा। कई बार ये टफ रूप में रहता है तो उसे हम लोग कैप्सूल कहते हैं, ध्यान रखिए। ये सब चीज़ें समझ में आ गई है आपको। आरएनए, एनी प्रॉब्लम नहीं। तो ये था बैक्टीरिया का पूरा स्ट्रक्चर। और बैक्टीरिया आप सभी को पता है कि प्रोकैरियोटिक होता है, ये है प्रोकैरियोटिक।
ठीक ना। तो प्रोकैरियोटिक में जो बैक्टीरिया आता है उसका ऐसा एग्जांपल है। अब बैक्टीरिया जो मूव करेगा उसके लिए एक स्ट्रक्चर ऐसा भी होता है जो से वो फ्लैजिला कहते हैं, है ना, ऐसा रहता है जिससे वो क्या करता है ऐसे करके पूरा मूव करता है, मतलब ऐसे करके मूव करेगा आगे की ओर, है ना, ऐसे करके ये इधर जाएगा। तो इसका जो नाम होता है ना, एक्चुअली इसका नाम रहता है फ्लैजिला। क्या नाम रहता है? फ्लैजिला, है ना, जिसकी वजह से मूव करेगा। मान लीजिए ये सेल ऑर्गेनेल, मतलब कहीं पे भी इसको खाने का कुछ मिला तो बैक्टीरिया वहाँ पे जाएगा, पानी के साथ साथ तो भाग सकता है, जिसकी वजह से क्या करता है किसी बॉडी से जाके उसे रुकना है, अटैच करके रहेगा। तो इसके पास एक और स्ट्रक्चर रहता है छोटा छोटा, इसके पास ऐसा ऐसा रहेगा, ठीक ना, ऐसा स्ट्रक्चर का अलग नाम होता है, ये पूरे बॉडी में रहता है, ध्यान रखिएगा, ये फ्लैजिला नहीं है, है ना, इसका अलग नाम है। तभी तो बैक्टीरिया सब इतना खतरनाक होता है, सिस्टम पे सिस्टम लेके चलता है और डायरेक्टली जहाँ मिला इन्फेक्शन कर दिया। इसीलिए आप लोग खाना ताना खाइएगा ना तो साबुन से हाथ धो लीजिएगा, क्योंकि इसी से ये पकड़ के रखते हुए रहता है, हाथ में चिपका हुआ रहता है। और इसका जो नाम है, इसका नाम होता है पिली, है ना, क्या नाम है? पिली, ध्यान रखिएगा, पिली, PILLI, जिससे वो मूव तो नहीं करेगा लेकिन जैसे ये सरफेस है, ठीक ना, ये सरफेस है, इस सरफेस से आया और यहाँ पर बैक्टीरिया अगर होल्ड करके रखना चाहता है तो पिली का इस्तेमाल करेगा, ठीक ना। और जब यहाँ से भागने का इरादा रखेगा, यहाँ से भागेगा, ध्यान रखिएगा वो फ्लैजिला की जगह से मूव कर जाएगा। बाद बाकी इसके अंदर कंडेंस स्ट्रक्चर रहता है, है ना, इससे वो सारा काम कर लेता है अपना का अपना, और पूरा जीनोम सिस्टम जो है उसका यही रहता है। इसे हम लोग क्रोमोसोम भी कह सकते हैं, लेकिन ये बाउंडेड नहीं रहता है कोई भी लेयर से, इसके अंदर में इंटरनल मेम्ब्रेन नहीं देखने को मिलता है, है ना। एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल DNA रहता है जिसको हम लोग कहते हैं प्लाज्मिड, और प्लाज्मिड का काम होता है इसका जीनोम दूसरे के बैक्टीरिया में जीनोम में डालने में, क्लियर। ये अगर रिप्रोडक्शन करता है तो प्लाज्मिड का इस्तेमाल करेगा, क्लियर। तो ये होता है, और कुछ सेल ऑर्गेनेल होता है इसके पास, केवल और केवल राइबोसोम, राइबोसोम होगा इसके पास केवल और केवल 70S वाला, ठीक ना। आप लोग चाहे तो इसे नोट करें जल्दी से जल्दी, हम मिटाना चाहेंगे इसको। कोई दिक्कत है तो आप कमेंट में हमसे पूछ लीजिएगा, हम ज़रूर बताएंगे, अभी तो नहीं बता सकते ना, और अभी आप पूछ भी तो नहीं सकते ना। पूछो, सुनाई दे रहा है यार, पूछ के तो देखो, दिल से दिल का कनेक्शन होता है, ठीक है। लिखना कमेंट में, कमेंट में लिख दीजिएगा, है ना, हम पढ़ के आपको उत्तर करेंगे। देखिए अभी बात करते हैं प्रोकैरियोटिक राइबोसोम, प्रोकैरियोटिक राइबोसोम, प्रोकैरियोटिक राइबोसोम जो होता है ना वो 70S का होता है। 70S क्या है तो ध्यान रखिएगा, 70 तो एक नंबर है, S का मतलब होता है सेडिमेंटेशन कोफिशियंट, S का मतलब हुआ सेडिमेंटेशन कोफिशियंट, कोफिशियंट, ठीक ना। एक्चुअली ये क्या होता है, ये सब बड़े हायर क्लास में जाइएगा तब पढ़िएगा, है ना। तो अलग अलग तरह का राइबोसोम होता है, यूकैरियोटिक का राइबोसोम अलग रहता है, प्रोकैरियोटिक का राइबोसोम अलग रहता है, है ना। इसका जो ये 70S है ना, ये दो तरह के सब यूनिट से मिलकर बना हुआ रहता है, और एक होता है इसमें से 50S और दूसरा होता है 30S। आप लोग मैथ मत लगाइएगा यहाँ पे, ये सेडिमेंटेशन कोफिशियंट है, क्लियर। एक 50S का रहता है, दूसरा 30S का रहता है, इसको मैथ के हिसाब से मत जोड़िएगा, नहीं तो 50-30-80 हो गया, सर को तो मैथ आता नहीं है। ऐसा नहीं होता है, बायोलॉजी है, बायोलॉजी है, बायोलॉजी, बायोलॉजी में मैथ काम करे ऐसा कोई ज़रूरी हमेशा नहीं होता है। तो 50S और 30S सब यूनिट से मिलकर बना हुआ रहता है 70S का राइबोसोम, जो कि प्रोकैरियोटिक राइबोसोम होता है, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। राइबोसोम जो है प्रोटीन को बनाता है, प्रोटीन जो बनता है, प्रोटीन फैक्ट्री कहा जाता है, राइबोसोम को प्रोटीन फैक्ट्री कहा जाता है। राइबोसोम जहाँ पर भी रहता है केवल और केवल प्रोटीन बनाने का काम करता है। आई होप प्रोकैरियोटिक सेल आपको समझ में आ गया होगा। आज के वीडियो में जो हमने देखा है, अगर थोड़ा सा समरी कर दे तो, हम सबसे पहले देखे थे कि प्रोकैरियोटिक सेल प्रिमिटिव सेल को कहा जाता है, जिसके अंदर न्यूक्लियस नहीं होगा, कोई कंपार्टमेंट नहीं होगा तथा उसके अंदर कोई सेल ऑर्गेनेल भी नहीं होगा। उसके बाद हम लोगों ने देखा बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर, है ना। एक्चुअली बैक्टीरिया और साइनोबैक्टीरिया ही दो एग्जांपल होते हैं किसके, प्रोकैरियोटिक सेल के। इसके अलावा कोई बहुत बड़ा सा डाइवर्सिफिकेशन नहीं होता है। जब भगवान इस लेबोरेटरी के अंदर, पृथ्वी एक बहुत बड़ा सा लेबोरेटरी है जिसमें भगवान एक्सपेरिमेंट करते रहते हैं हमेशा, है ना। उन्होंने सबसे पहले बनाया इस इंसान या जो भी जीव जंतु है, इसको बनाने से पहले उन्होंने ऐसा ही ट्राई किया था, है ना,
वो सब बैक्टीरिया को बनाया, ये सब चीज़ को बना बना के देखा कि ये सक्सेसफुल रहेगा कि नहीं, है ना। तो नहीं रहा, ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं रहा, तो उन्होंने दूसरा चीज़ बनाया। एक्चुअली वो सब के बारे में बात करेंगे बाद में। तो बैक्टीरिया को बनाने की कोशिश की गई, तो बैक्टीरिया ज़्यादा डेवलप नहीं हो पाया, अनडेवलप्ड सेल होता है जिसके अंदर नो कंपार्टमेंट, नो सेल ऑर्गेनेली तथा नो न्यूक्लियस, कोई भी ऑर्गेनेली भी नहीं होता है एक्सेप्ट राइबोसोम। राइबोसोम हर जगह प्रेजेंट होता है क्योंकि उसे प्रोटीन बनाना होता है और सेल में प्रोटीन की बहुत ज़्यादा आवश्यकता होती है। उसके बाद हम लोगों ने देखा प्रोकैरियोटिक राइबोसोम के बारे में। प्रोकैरियोटिक राइबोसोम जो होता है वो 70S का होता है, जो 50S और 30S से मिल के बना हुआ रहता है। बाद बाकी की जानकारी होगी यूकैरियोटिक सेल के बारे में, जिसको हम इसके अगले वीडियो में बात करेंगे उसके बारे में। ये था बायोलॉजी में सेल का चौथा वीडियो, अब आएगा पांचवा वीडियो। वीडियो सब आते रहेगा, कृपया करके उसको देखते रहिएगा कंटिन्यूअसली। ज़्यादा बेहतर होगा जब वीडियोज़ को आप सिक्वेंस में देखते जाएँ। पढ़ाई बहुत ज़रूरी है, इसीलिए आप सभी लोग पढ़ाई करते रहे, है ना, और माता पिता की सेवा करते रहे हमेशा, क्योंकि उनके चरणों में तो सारा जहाँ है। लॉकडाउन के अंदर लोग घर में बैठे हैं, उनकी सेवा कीजिए, है ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ध्यान रखिएगा, दुनिया नकार देगी लेकिन माँ बाप हमेशा साथ देते हैं, है ना। अगर आप उनका रिस्पेक्ट करते हैं तो लोग आपका रिस्पेक्ट करेंगे। इसीलिए अपने मदर फादर के साथ रहिए, अपना दुख सुख उनसे शेयर करते रहिए, ताकि उसको भी लगे हाँ मेरा बच्चा हमसे बात कर रहा है। यार कई लोग तो ऐसा होता है ना, मम्मी पापा से बात भी नहीं करता है, ऐसा बच्चा आपको नहीं बनना है, समझ रहे ना बात को। हाँ, ध्यान रखिएगा, अपने मदर फादर बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। उनके सेहत का ध्यान रखिए, उनके खाने पीने का ध्यान रखिए तथा उसका भी ख्याल रखिए, साथ में अपना भी ध्यान रखना तो बनता है। ध्यान रखिए, साथ साथ में पढ़ाई करते रहे। हम मिलते हैं आपसे इसके अगले वीडियो में, तब तक के लिए लेते हैं आपसे विदा। हम मिलेंगे आपसे सेल के पाँचवें वीडियो को लेकर, यूकैरियोटिक सेल के बारे में। फाइनली, है ना, जाने का समय है, तो समय बहुत ज़्यादा हो चुका है, अभी रात के लगभग 1-2 बज रहे हैं, 2:55 के आसपास। तो मिलेंगे हम आपसे फिर कल, तब तक आप सभी पढ़ाई करते रहें। बाय बाय, थैंक यू।